वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये चैनल ही डेडिकेटेड है रेलवेज को लेके, और उसमें भी स्पेशली ग्रुप डी वाले स्टूडेंट हो, एएलपी वाले स्टूडेंट हो, तो आप लोगों का एक गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है जिसमें जीरो से आप लोगों को एक एक चीज बताई जा रही है। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन इलिजिबल है, कौन कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और इससे भी इम्पोर्टेंट कि कौन सी ब्रांच हमें चूज करनी चाहिए इस पेपर के हिसाब से। तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डाउट है कि सबसे पहले हम इलिजिबल ही कौन कौन है। तो देखिए, अगर आपने टेंथ के बाद आईटीआई की है, या मान लो आपने डिप्लोमा किया है, ट्वेल्थ के बाद डिप्लोमा किया हो, टेंथ के बाद डिप्लोमा किया हो, या फिर आपने बीटेक किया हो लेकिन किन ट्रेड्स में, उसके बाद बात करते हैं, या फिर आपने एक्ट अप्रेंटिसशिप की हो रेलवेज के अंदर, इन ट्रेड्स के अंदर जो ट्रेडें यहां बताई जा रही हैं, तो आप इलिजिबल माने जाएंगे। सबसे पहली ट्रेड है, देखिए इन्होंने बोला है सहायक लोको पायलट। देखिए पहले दो तरह से आती थी, एएलपी इलेक्ट्रिक, एएलपी डीजल, तो अलग अलग तरीके की चीजें होती थी। अभी एएलपी की पोस्ट आई है, तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बोला है कि मैट्रिकुलेशन मतलब टेंथ एस, या फिर आप लोग ट्वेल्थ एनसीबीटी या एससीबीटी, कोई भी हो आप लोगों का आईटीआई, उससे मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने इलेक्ट्रीशियन में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक में, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के अंदर, या मैकेनिक मोटर व्हीकल के अंदर, वायरमैन के अंदर, ट्रैक्टर मैकेनिक के अंदर, आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर में की हो आपने, मैकेनिक डीजल में की हो, हीट इंजन से की हो, टर्नर से की हो, मशीनिस्ट से की हो, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के ट्रेडों में, अगर आप में इनमें से किसी भी ट्रेड में, ये देख लो आप यहां पे लिखी हुई है, इनमें से किसी भी ट्रेड के अंदर अगर आपने आईटीआई की है, चाहे वो एनसीबीटी से हो या एससीबीटी से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने टेंथ के बाद की हो, ट्वेल्थ के बाद की हो, आप लोग इलिजिबल हैं। ये रही बात। नेक्स्ट, अच्छा मेरे बारे में कुछ लोग जानना चाह रहे होंगे, मैं इस एग्जाम को क्वालिफाइड हूं, मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर है, मैंने ज्वाइन भी कर लिया था, सारी चीजें मैं आप लोगों को बता सकता हूं इस एग्जाम के बारे में, मैं एक एक चीज आप लोगों को बता सकता हूं, मैं अपनी ट्रेनिंग की फोटो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा बहुत ही अच्छे से, और जॉब काफी ठीक है, अच्छी जॉब है, आप इस चीज की टेंशन मत लो। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा है कि सबसे पहला काम है कि वैकेंसीज बढ़ जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा और हम बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। दूसरी चीज, बच्चे कह रहे हैं कि भैया वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जा रहे हैं तो वहां पे प्राइस बहुत ज्यादा दिखा रहा है, लाखों में प्राइस कर रखे, वो इसलिए कर रखे हैं कि कोई अभी कोर्स परचेज ना कर पाए, क्योंकि जब तक वैकेंसीज का कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तब तक कुछ चीजें नहीं कर रहे हैं, तब तक आपके माइंड में बना रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोगों की जीरो से हीरो तक की सीरीज शुरू करेंगे, आप उस चीज की टेंशन मत लो। फिलहाल यहां पे देखते हैं, तो ये ट्रेड आप लोगों की थी, अगर आपने इन ट्रेडों से आईटीआई की है तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ इन ट्रेड में अगर आपने इन ट्रेड में अप्रेंटिसशिप भी की है तब भी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट, आपने टेंथ के या ट्वेल्थ के बाद अगर मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, ऑटोमोबाइल से, या इनकी कॉम्बिनेशन वाली किसी ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किया है तब भी आप इलिजिबल हैं। ये बोल रहा है, देखो मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इन इंजीनियरिंग विषयों में विभिन्न धाराओं के संयोजन से आईटीआई के बदले आपने अगर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के स्थान पर डिग्री भी कर रखी है तो भी स्वीकार्य है। ये सारी की सारी चीजें आई होप कि आप लोगों को समझ आई हैं। अब बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर लिया तो मैं कौन सी ट्रेड चूज करूं भैया। कोई कह रहा भैया मैंने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया, क्योंकि मैक्सिमम लड़के डिप्लोमा बीटेक वाले हैं, हम भी डिप्लोमा बीटेक वालों में से ही हैं और इसमें एग्जाम में सिलेक्टेड है, और इतना ज्यादा कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जाम को किस तरीके से क्वालिफाई करना है उसकी स्ट्रेटेजी आप लोगों को सारी मिल जाएगी, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या सिलेबस है, दुनिया भर की सारी चीजें आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देंगे यहां पे ही। बस आप लोग अगर नए हैं तो निश्चित तौर से जुड़ सकते हैं। देखो ये सैलरी स्लिप मैं दिखा सकता हूं आप लोगों को, ये एएलपी की सैलरी स्लिप है, वहां पे देख सकते हो नेट पे 58,000 रुपए आया है। इसके बाद और सैलरी स्लिप देख लो, एक सैलरी स्लिप ये है, इसके अलावा यहां पे देख लो
ये देखो ये एक सैलरी स्लिप है 77,750 की, नवंबर 2023 की है। देख लो यहाँ पे 77,750, क्योंकि इसमें बोनस आया दिवाली बोनस 17,000 रुपये का। अगर इस 17,000 को भी निकालोगे तब भी 60,000 सैलरी बन रही है, तो हर बार वही सैलरी बनती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उसका NPS डबल कट गया है, तो अब यहाँ पे देखो ओवरऑल सैलरी आ रही है 54,000 कुछ रुपये। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे बात करें, ये LP की ही सैलरी स्लिप थी। अब बात करते हैं ट्रेड कौन सी चूज करनी है। तो देखो ट्रेड पहले क्या था, एक PCM फिजिक्स एंड मैथ्स ट्रेड होती थी। क्यों? क्योंकि जब हमारे साथ ALPN टेक्नीशियन आ रहा था, वो हो सकता है अभी भी आ जाए, साथ में वैकेंसी आ जाए, एक से दो दिन के अंदर वो चीजें देखने को मिल जाएंगी, तब आपको हो सकता है कि ऑप्शन खुल जाए। इसीलिए मना किया जा रहा है कि अभी फॉर्म फिल ना करें, क्योंकि क्या चेंजेस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, फिर आप लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन कुछ लोग मानेंगे नहीं। चलिए बाद में बात करेंगे, फिलहाल यहां पे देखते हैं। अब देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं क्या क्या चूज करने के। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले इलेक्ट्रीशियन चूज कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक कर सकते हैं, वायरमैन कर सकते हैं, ये इतनी सारे ऑप्शन है आपके पास। मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड भी अच्छी है। इसके अलावा जो आपको इसमें अच्छी लगे वो आप ट्रेड चूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन इसलिए अच्छी है क्योंकि इसके अंदर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट ही इतना ज्यादा एग्जाम में आ जाता है कि उसी से काम हो जाता है। जो 10th और 12th में इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है उसी से बच्चा पास हो जाता है। हमें सिर्फ पास करना है, क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तो वो उसी से काम हो जाता है। बाकी जिस बंदे ने जिस ट्रेड से ITI की है वो उसी ट्रेड को चूज कर ले, क्योंकि उसने 3 साल वो ट्रेड पढ़ी है, 2 साल वो ट्रेड पढ़ी है। ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो इनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एक अच्छा ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक चूज कर सकते हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूं कई ट्रेडों का पेपर एक सा आता है। जैसे कि अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करूं तो हीट इंजन, डीजल मैकेनिक और मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, इन तीनों चारों का पेपर एक सा आता है, सेम टू सेम पेपर आता है, अलग अलग पेपर नहीं आता इनका। फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा अच्छा वो अपने यहाँ डिप्लोमा बीटेक में पढ़ते हैं IC इंजन को, तो IC इंजन वाला पार्ट भी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप डीजल मैकेनिक ट्रेड लेके पास हो जाएंगे। सबसे कम सिलेबस है मैकेनिक डीजल का, और डीजल मैकेनिक जो ट्रेड है वो 1 साल की होती है, और उसके अंदर मैक्सिमम पार्ट IC इंजन है, 2 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक है, लुब्रिकेशन से रिलेटेड चीजें दे रखी हैं कि किस तरीके से कूलेंट है, लुब्रिकेशन है, बहुत सिंपल सी चीजें। थोड़ा सा आप लोगों को पिस्टन के पार्ट्स के बारे में पढ़ना है कि कौन सा क्या पार्ट है, जो बहुत ही ईजी होता है मैकेनिकल वालों के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आप अगर ट्रेड चूज करना चाहते हैं तो मैकेनिक डीजल की तरफ जा सकते हैं। हीट इंजन भी लगभग सेम सिलेबस है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो मैकेनिक डीजल मैकेनिकल वालों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड होगी। इसके अलावा अगर किसी ने फिटर से ITI की है तो अपनी फिटर ट्रेड चूज करो, अगर किसी ने किसी भी चीज से मशीनिस्ट से ITI की है तो आप अपनी मशीनिस्ट चूज करो। लेकिन मेरा मानना यही है कि आप अगर उधर जाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। तो ये आप लोगों का चीजें हो गई। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वालों के पास भी एक अच्छी सी बात यह है कि आपके पास भी मैकेनिक मोटर व्हीकल का ऑप्शन मिल रहा है, और उसके अलावा आप लोगों के पास मैकेनिक डीजल का भी ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से डीजल मैकेनिक चूज कर सकते हैं आप भी, क्योंकि ऑटोमोबाइल में तो सब कुछ वही पढ़ते हैं, और जितना आपने पढ़ा है 100% उसी में से पेपर आएगा। आपको सोम नहीं पढ़नी, थर्मल नहीं पढ़नी, दुनिया भर की सारी चीजें गायब, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ना सोम, ना हाइड्रोलिक्स, ना थर्म, ना टॉम पढ़नी है, ना MD पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ आप IC इंजन से ट्रेड को पास कर सकते हो। तो अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के अगर आप चाहते हैं तो डीजल मैकेनिक ट्रेड चूज कर सकते हैं। कहां से पढ़नी है, क्या करना है, वो सब हम पे छोड़ दो। अगर आप इस चैनल पे आए हो तो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें बताई जाएंगी, आपको गाइड किया जाएगा कि आप कहां से पढ़ सकते हैं, कि आपको कहां से पढ़ के ये पास होना है। जिस तरीके से हम लोगों ने इतने अच्छे मार्क्स गेन किए और साथ साथ इतने सारे स्टूडेंट, मेरे खुद के मार्क्स उसमें 84+ हैं, ठीक है। तो आप लोगों को एक एक चीज बेस्ट गाइड करेंगे। ये हमारे ग्रुप डी के स्टूडेंट, कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट है, ये तो बहुत कम है। अब मैं यहां पे लगाऊंगा लिस्ट इनकी सबकी, फिर भी आप इनके विचार पढ़ सकते हो। ये लोगों ने टारगेट्स फॉलो किए थे, और ये जो टारगेट्स हैं ये टारगेट दोबारा से स्टार्ट होंगे बिल्कुल जीरो से। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी नहीं, अभी 1 से 2 दिन और रुको, बुक्स की भी पूरी लिस्ट आप लोगों के सामने रहेगी, आपको सबको समझाया जाएगा। 1 से 2 दिन और रुक जाओ, जैसे ही कोई नोटिस आता है जीरो से सारी चीजें शुरू करेंगे। जैसे ये बैच स्टार्ट हुआ था बिल्कुल जीरो से हीरो तक, और इनका लगभग सिलेबस निपट चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।